राजस्थान में सीए एनआरसी लागू नहीं होगी, चाहे कितना दम लगा ले, रंगा बिल्ला हो चाहे वो दोनों गुजरात के गुंडे हो। ये तो वक्त नहीं आया, नहीं तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी दोनों गुंडों को, इस देश में रहने नहीं देगी। इनके आगे न तो नाथ न नारा न बच्चे न बच्चे रोने वाला कोई नहीं, रणवे घूम रहे हैं। पूरे देश को इन्होंने जागीर समझ ली कि ये तो चरागाह है, खाली सफाई तक जमीन है, मन मर्जी से काम कर रहे हैं। गलती हमारी है, इनको मौका हमने इसलिए दिया कि हम आपस में बट गए, अलग अलग हो गए। बिहार में मुसलमानों ने किसको वोट दे दिया, यूपी में किसको वोट दे दिया, राजस्थान में हम खाए में वोट दे दिया। आप एक जगह होकर दिखा दो अपनी ताकत को। और आज इस पूरे देश में आपने देखा इनकी नीतियों को, इनके कार्यकलापों को, इनके मंसूबों को, कहां चाहते हैं मुसलमानों को। फिर हमारे लोग क्यों बीजेपी में शामिल हैं, कभी सोचने की कोशिश करी? और जब जवाब देने का मौका आता तो हमारे जमात के लोग, चाहे शाहनवाज हुसैन हो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, वो जवाब देने के लिए आपके सामने आते हैं। पहले तो उनसे हिसाब मांगो कि तुम कौन सी कौम में हो, इनके एजेंट हो, गुलाम हो या इनके क्या हो। कौम के खिलाफ बात आती वो आपके मन में एक भी दर्द नहीं आता कि इतने बड़े बड़े दुखदायी फैसले हुए हो, चाहे 370 हो। आज कश्मीर में हटके हमारे क्या फर्क पड़ा, सवाई माधपुर की धरती में कश्मीर में अगर 370 हटके तो हमारे क्या फर्क पड़ा, मुझे समझ में नहीं आता। पूरे देश में आंदोलन हो गया, हल्ला हो गया, हमने 370 हटा दी, अरे हमारे सवाई माधपुर का अमृत का भाव थोड़ी बढ़ा इससे, और तो कश्मीर का सेब का भाव गिरा दिया आपने। तो एक तरह से कमजोर करने के जो इनके मंसूबे हैं, समाज को बांटने के। एक देश था ये भारत देश, जिसको गंगा जमुना तहजीब माना जाता था, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के नारे लगते थे, आजादी से पहले तराने गाए जाते थे, आज भी हर तरफ जो है कोई गीत गाए जाते हैं। 70 साल की आजादी के इतिहास में हमसे पूछा जाता, हमने क्या किया, मेरे बाबू गुजरात का हवाई अड्डा से लेकर रेल की पटरी हमने बिछाई, दिल्ली तक तेरे को हम हवाई जहाज पे ले गए, सारे हमने ही तो बनाए, तेरे बाप ने बनाया क्या था, तो कभी केदारनाथ की गुफाओं घूमता था, कभी पता नहीं कहां जाए बेचता था, चाय की केतली तक पता नहीं हो चाय की केतली है कहां। झूठ बोल बोल के आपको गुमराह कर दिया गया। आज इस मंसूबे को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो जमात सभी धर्मों के लोगों को समझना पड़ेगा, इनकी गुंडागिर्दी, इनके मंसूबे को देश को बांटने की जो इनकी इरादे हैं। अरे 100 साल तक कोई जिंदा रहा क्या, तुम्हारी 70 साल की उम्र 10-5 साल और जी लो, बाद में भाव पड़ेगा, कभी घुटनों के बल गिरना पड़ेगा। तुमको तो उठाने वाला तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है कि तुमको टॉयलेट करा के ले जाए, कोई रोने वाला भी नहीं है। आखिर में कुछ अहंकार घमंड में ये देश को चलाना चाहते हैं, सब पार्टी को बिल्कुल ऐसा समझना चाहते हैं। पहले कहा कि कागज मुक्त भारत कर देंगे, आज अगर आप देख लीजिए 2017-2019 में इनका 33% हिस्सा इंडिया में रह गया बीजेपी का। मैं आज मौके पर यह भी कहना चाहता हूं, इस जो लड़ाई को ये लंबी लड़ेगी, इतने नकटे हैं, इतने बदमाश हैं, गुंडे के पीछे हटने के लिए कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, अब उसको 1 इंच पीछे हटाने के लिए कभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी शासन इनका एफडीआई इनकी है, इनकी जो है सारी फोर्स इनके पास में है, सीबीआई इनके पास में, ईडी के छापे पड़वा दे, कभी किसको अंदर करवा दे, कभी इसको बाहर करा दे। आज कितने लोग हमारे नजरबंद नेता लोग हैं जिनको नजरबंद किया हुआ है, चाहे आसाम में हो, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो। हमारे नौजवान साथियों ने दिल्ली की सड़कों पर उतर का पूरा संघर्ष आपके साथ किया है। वो लोग मानवाधिकारों को समझते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, आपके आधारभूत संविधान प्रदत्त अधिकारों को समझते हैं। पहले बड़ा कुटिल प्रयास उन्होंने किया कि आरएसएस खत्म करने की पुरानी साजिश चली, जो अप्रैल को जब झंडा बुलंद किया गया और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में सभी पार्टियों ने साथ दिया, तीन मार्च के साथियों ने साथ दिया, तो पूरे देश की इनकी सरकार हिल गई। और उस वक्त मुझे ध्यान आता है मुस्लिम भाइयों ने बराबर हमारा साथ दिया। ये आप ये समझ लीजिए कि हमारी एकता ये तय कर देगी कि बीजेपी को बहुत जल्दी इनके जमीन को दिखाना पड़ेगा, इनकी हकीकत को समझाना पड़ेगा। और इनमें अगर हमारे कोई भाई है तो आज से तय कर ले कि आज से उनकी सदस्यता को वो त्याग दे, छोड़ दे, और वो बता दे कि हम तुम्हारे इन गंदे इरादों के साथ नहीं चलना चाहते। कृपया करके अभी आपको इनको एक एक चुनाव में मानना पड़ेगा, और जब तक ये बिल्कुल देश की जनता से माफी नहीं मांग ले कि हमने अपने अहंकारों में, हमारे अंध जो हमारी जो है रूढ़ में, नशे में,
हमने इस देश के कई कानून को रोंदा है, संविधान को तोड़ने की कोशिश करी, समाज को बांटने का काम किया है, तो अपने आप इनको समझ में आ जाएगी। इनके साथ इनके लोग नहीं रहेंगे, इनके लोग भी परेशान हैं, इनके लोगों को भी दबा के कुचल कर रखना चाहते हैं, केवल दो गुंडे का राज चलता है ऐसा ये मानते हैं। देश की दिल्ली की सरकार को दोनों चला रहे, इनको न तो पढ़ना लिखना आता है, न कानून समझते, कानून भी नहीं समझते। कानून मंत्री वो बन जाता जो कानून नहीं समझता, वित्त मंत्री वो बन जाता जिसको वित्त का पता नहीं। जीएसटी के बाद में इतनी महंगाई गिरी, हालत खराब हो गई, नोटबंदी के बाद में मंदी आ गई, देश में बेरोजगारी की बात गणना नहीं कराना चाहते, महंगाई की मार इतनी भयंकर होगी, आज सिलेंडर कहां चला गया, आज प्याज के दाम कहां पर है, आज टमाटर के दाम कहां पर है, आज लहसुन के दाम कहां पर है, हमको क्या चाटना पड़ेगा टमाटर को, खाने की हिम्मत हमारी नहीं है, लहसुन को सूंघे क्या, ऐसी हालत कर दी देश की। और मन मर्जी से फैसले करे जा रहे हो, 370 हटा दी, 3 तलाक हम कर देंगे, मंदिर भी हम बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, सभी धर्म के लोग अपने अपने गीत गाए, अपने अपने अजाना करें, अपने अपने भजन गाए, तकलीफ किसको क्या हो रही है। बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, बहुत बड़ा मस्जिद बनाओ, बहुत बड़ा अस्पताल बनाओ, सबकी सेवा करो, सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबके लिए देश में जगह है। महात्मा गांधी का देश जिसने सबको एक साथ तराने का कर इस देश को आजादी दी, अहिंसा के मार्ग पर अगर हम लोग अहिंसा छोड़ दे तो ये साले इनके पते ठिकाने नहीं मिलेंगे, आपको मैं कहना चाहता हूँ। तो हमसे चाहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी है, हम इस देश में अहिंसा के साथ में आपके आंदोलन के साथ में काम करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो सीएए एनआरसी वापस ले। अगर एनआरसी की जगह कराओ तो बेरोजगारी की गणना कराओ, कितने लाखों करोड़ लोग हमारे बेरोजगार नौजवान भाई बैठे हैं। अगर कराना चाहते हो एनआरसी तो महंगाई कराओ, कितनी हालत खराब होगी। एनआरसी कराना चाहो तो हमारे उद्योग धंधों कराओ, कारखानों कराओ, दुकानों के कराओ। अब तो इनके जो वोटर जो भाग भाग के हर मोदी घर घर मोदी कहते थे, सारे दिन दुकानों पर ताले बजाते हो, मक्खी मारते बैठे थे, धंधा पानी हो गई थी, धंधा पानी नहीं हो रहा। शाम को घरवाली लड़ती है, शेरानी लड़ती है, सारी जगह बकरी पानी कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ताले बजाई थी, 4-5 मक्खी मार दी, पूरा धंधा चौपट, अर्थव्यवस्था चौपट, जीडीपी डाउन। और देश की उन बातों को बिलगला कर उनसे दूर हटकर केवल हमको धर्म की लड़ाई में एनआरसी सीएमएस से होता क्या है, सबको रहने दो। ये देश महान देश है, भारत देश महान है, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें सबका स्वागत है, अतिथि देवो भव मानते हैं। हमने अपनी पुरानी इतिहास को देखेंगे तो देश इतना महान था कि पूरा विश्व इसको मानता था, इसकी महानता को गिराने का काम भी लोग कर रहे हैं और इस देश की छवि को कम कर रहे हैं। फिर भाग भाग के विदेशों में बिना बुलाए भाग रहा है, फोटो खिंचा रहा है। अरे लाया क्या, देश को बर्बाद करके रख दिया विज्ञापनों में, सारे टीवी चैनल खरीद कर खुद के गीत गा रहे हो, खुद के गुणगान कर रहे हो और जनता की बात को नहीं सुन रहे हो, केवल अपने मन की बात करो। मैं कहता हूँ इस मौके पर अगर वो मन की बात की बजाय हमारे अपने मनों की बात सुन लेगा, फैसला अपने आप हो जाएगा। हम और हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी